डांगी हमले में शामिल था राजौरी में मारा गया आतंकी। ग्रामीण बोले, यही हमारे घर खाना खाकर गया था। राजौरी के केसरी हिल के जंगल में शनिवार सुबह मुठभेड़ में मारा गया आतंकी जिले के ही डांगी गांव में हुए हमले में भी शामिल था। मारे गए आतंकी की अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन डांगी के आसपास के बथूरी व मुरादपुर गाँव के कुछ लोगों ने इस आतंकी की शिनाख्त करते हुए बताया कि यही डांगी हमले से पहले क्षेत्र में सक्रिय था। बता दें कि आतंकियों ने इसी वर्ष 1 जनवरी को डांगी गांव में 7 लोगों की हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार केसरी हिल में 5 पैरा कमांडो को मार गिराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में शनिवार सुबह मारे गए आतंकी के शव को राजौरी लाया गया, जहां पर मुरादपुर और बथूनी क्षेत्र के उन लोगों से शव की पहचान करवाई गई जिनके घरों में आतंकियों के एक दल ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच खाना खाया था। लोगों ने मारे गए आतंकियों की पहचान की। सूत्रों के अनुसार इन लोगों ने मारे गए आतंकी की पहचान कर ली है। उन्होंने माना है कि यही वह आतंकी है जो हम लोगों के घरों में खाना खा चुका है। बताया जा रहा है कि डांगी गांव के लोगों के साथ साथ पीड़ित परिवारों के सदस्यों को भी आतंकी के शव की पहचान के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। लोगों का कहना था कि हमें मारे गए आतंकी नहीं बल्कि आतंकियों की मदद करने वाले चाहिए जो आतंकियों को हमारे घर लाए थे। क्या हुआ था डांगी गांव में? 1 जनवरी को रात के अंधेरे में आतंकियों ने राजौरी के डांगी गांव में ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 5 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा जाते जाते आतंकी एक घर के आंगन में आईडी लगा गए थे। अगले दिन सुबह उसमें विस्फोट हो गया जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए थे। लोगों ने कही ये बात। डांगी हमले में मारे गए दीपक व प्रिंस की मां सरोज बाला ने कहा कि मारा गया आतंकी हमले में शामिल था या नहीं इससे हमें मतलब नहीं है। हमें वे लोग चाहिए जो हमारे घरों तक आतंकियों को लाए थे।